हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अच्छे हैं सर। आज हम हिंदी की पहली पोइम पढ़ेंगे, देश की माटी। क्या नाम है पोइम का? देश की माटी। क्या आप मेरे साथ पढ़ोगे? यस सर। रेडी। देश की माटी देश का जल, 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 हवा देश की देश के फल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। सरस बने प्रभु सरस बने। वेरी गुड। एक बार और करें इसको, पढ़े यस सर। बोलो मेरे साथ साथ और झूमते हुए इसको गाएंगे, ठीक है। देश की माटी देश का जल, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। सरस बने प्रभु सरस बने। वेरी गुड। तो ये जो बुक में चित्र दिखाई दे रहा है, यह किस चीज का चित्र है? क्या आप जानते हैं इसको? वेरी भारत का नक्शे का। गुड। ये है हमारे भारत का मानचित्र। क्या है ये? मानचित्र। हाँ, इस जो कविता है यह हमारे देश के बारे में बताती है कि हमारे देश की जो माटी है, माटी मतलब मिट्टी, माटी का मतलब क्या होता है, मिट्टी। वह कैसी हो। देश की मिट्टी और देश का पानी, जल का मतलब क्या होता है, देश की मिट्टी देश का जल, हवा देश की देश के फल, कि हमारे जो देश की हवा है और जो हमारे देश के फल है वो कैसे हो। सरस, सरस मतलब रस से भरे हुए। कैसे? हाँ, रस से भरे हुए। जिससे इस धरती पर रहने वाले हम सभी मनुष्य सरस बने। क्या बने? हाँ, क्या एक बार और पढ़े इसको, पढ़े। रेडी। ओके। देश की माटी देश का जल, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। सरस बने प्रभु सरस बने। वेरी गुड। एक बार और करें। यस सर। अब एक लाइन मैं बोलूंगा, एक लाइन आप बोलोगे, ठीक है। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। वेरी गुड। एक बार और करें क्या? यस सर। ओके, अब आप बोलो, ठीक है, बोलो। देश की माटी देश का जल, हवा देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। वेरी गुड। ये सब आपको लर्न हो गई है ना, यस सर। ठीक है। कल आपसे फिर सुनेंगे और अगली पोइम, जो अगला इसका पहरा है, वो कल करते हैं। ओके।